धर्म से जुड़ी कई परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और सभी परंपराओं से विशेष कारण और महत्व जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अंतिम क्रिया या अंतिम संस्कार का विधान है। अंतिम क्रिया में मृतक की शव यात्रा निकाली जाती है और शव को दाह संस्कार के लिए श्मशान ले जाया जाता है। आपने देखा होगा कि शव यात्रा के दौरान परिजन और मौजूद लोग पूरे रास्ते बार बार राम नाम सत्य है कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या कारण है? महाभारत के मुख्य पात्र और पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक के बारे में बताया है। इस श्लोक के माध्यम से इसके सही अर्थ का पता चलता है। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमम मंदिरम शेषा विभूति मिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। अर्थ है, मृतक को जब शमशान ले जाया जाता है तब सब कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब सब घर लौट जाते हैं तो राम नाम को भूलकर मोह माया और मृतक की संपत्ति में लिप्त हो जाते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है मृतक को सुनाने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि यह मृतक के साथ चल रहे परिजन और लोगों को सुनाया जाता है कि राम का नाम ही सत्य है, जब राम बोलोगे तभी गति होगी। राम नाम सत्य है कहने के कई कारणों में एक है कि शव को शमशान ले जाने वाले मौजूद व्यक्तियों को यह मालूम हो कि मृत्यु के बाद संसार में हर कुछ धरा का धरा रह जाता है, केवल कर्म ही साथ जाते हैं, क्योंकि कर्म श्री राम की तरह अमर हैं, इसलिए जीवन में रहते हुए अच्छे कर्म करें। राम नाम सत्य है कहे जाने के अन्य कारण यह भी हैं, यह शब्द सुनने के बाद मार्ग पर चल रहे लोगों का ध्यानाकर्षण हो और वे समझ जाएं कि शव यात्रा जा रही है, जिससे शव यात्रा के लिए मार्ग खाली छोड़ दें, क्योंकि शव यात्रा को कहीं भी रोकना अशुभ माना गया है और इसलिए शव यात्रा घर से निकलने के बाद शमशान तक लगातार चलती रहती है। राम नाम सत्य है कहने का एक और कारण यह भी है कि मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे कुछ अंग सक्रिय होते हैं, जिनमें कान भी एक है, इसलिए अंतिम समय में अमृत रूपी राम का नाम लिया जाता है, जिससे यह शब्द मृतक के कान में जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि स्पिरिचुअल रियलिटी किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।